Hello everyone, so today we are going to talk about the effects of increasing gaming culture in society. As we all know, the gaming culture has been increasing in society by day to day very much. So there are both negative and positive concerns of the gaming culture, so we are going to talk about that. The mainly major negative effects in gaming is that gamers are going to sit in front of the TV. So the mainly their eyesight vision is very strong, so that's why it's बहुत इफेक्ट करते हैं उनकी आईसाइट को. दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन गेमिंग. तो उनकी जो मेनली जो पोस्चर है अगर वो ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा मस्त हो सकते हैं. एज पर्सनली मैं खुद गेमर तो मुझे भी घंटों घंटों बैठना पड़ता है टीवी के सामने, तो जो मेरी बैक है उसे बहुत दर्द शुरू रहती है आफ्टर फ्यू आवर्स. और सेकेंड थर्डली जो है मेन नेगेटिव इफेक्ट गेमिंग बहुत ज़्यादा वायलेंट गेम्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 वो एक वायलेंट गेम है, तो उसकी वजह से जो गेमिंग गेमर्स हैं वो बहुत वायलेंट रहते हैं देयर डेली रूटीन्स. मूविंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ गेमिंग, सबसे पहले आप लोगों की कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत इंक्रीज होती है. और जिस तरह ये गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, उससे आपके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं जब आप किलिंग करते हैं उसमें, और उससे रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी तेज होती है. और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत इससे लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पाकिस्तान में रेवेन्यू आ सकता है. जिस तरह लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं उससे रेवेन्यू आता है पाकिस्तान में, सिमिलरली गेमिंग इज अनदर प्लेटफॉर्म जिससे लोग गेमिंग करके कॉम्पिटिशन के थ्रू और पैसे ला सकते हैं पाकिस्तान में, विच इंक्रीज द GDP ऑफ पाकिस्तान. So keeping all the disadvantages and advantages in mind, I believe that there shouldn't be an excess of gaming and there should be a balance in between the two. Ki na zyada excess ho aur ye bhi nahi ki hum bilkul bhi nahi promote kar rahe. So thank you for watching our podcast. I hope you like the video and comment, like and share.